ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मरते धर्म आए गए तो क्लास में ला गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, स्टूडेंट्स आर कनेक्टिंग। अनुराग, आलोक, अरुण, वेरी गुड। ज्ञानेंद्र, आशुतोष पांडे, विकास, वासल, सौरभ, रवीन, विशाल, विवेक, हिमांशु, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई क्लास। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्लास में कवर करा है वो बेसिक चीज़ें, जैसे कंप्यूटर सिस्टम क्या है और कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग क्या है, लाइक इनपुट प्रोसेस आउटपुट, और कंप्यूटर के प्रोसेस और प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने अभी तक कवर करा है। ठीक है, इसको अभी हम आपको ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने अभी तक कवर किए थे। ठीक है, दिस इज अवर टॉपिक्स, दीज आर लाइक हम लोगों ने अभी जो कवर करा है, जो पढ़ाई हम लोगों ने करी है, वो हम लोगों ने क्या क्या कवर करा है। एक तो हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम, लाइक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक, जो भी दो तीन क्लास हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी ली है। और एक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, दैट इज द बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने जो बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर है, दैट इज द कंप्यूटर टेक्स इनपुट, प्रोसेस ऑन इट, इस पे वर्क करता है, और आउटपुट। यूजर को सिर्फ इनपुट देने से मतलब है और आउटपुट से मतलब है, बाकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्यूटर खुद करता है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग। प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग में ये पढ़ा था हम लोगों ने कि प्रोसेस का मतलब है, जैसे आपको एडमिट कार्ड प्रिंट कराना है, एनरोलमेंट नंबर जनरेट कराना है, आपको अपना रेलवे रिजर्वेशन कराना है, ये सारी प्रोसेस है। जब कंप्यूटर ये सब काम करता है तो उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, जब प्रोसेस अपने रनिंग स्टेट में आता है तो वही प्रोसेसिंग हो जाता है। ठीक, ये हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोगों ने कल जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे डिवाइसेस, डिवाइसेस हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिवाइसेस। डिवाइसेस में हम लोगों ने इनपुट डिवाइस, डिवाइसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट ये है कि कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होती है, कंप्यूटर में क्या प्रोसेस होती है, कंप्यूटर इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट जनरेट करता है और स्टोर करता है। ये आप अपने उसमें कॉपी में बना लीजिए, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट, एस फॉर स्टोरेज। तो जो भी काम है उस काम के हिसाब से, उस काम के हिसाब से क्या मिलेगा, उस काम के हिसाब से हमें टूल चाहिए होगा। लाइक अगर हमें ड्रिल करना है तो ड्रिल मशीन चाहिए, अगर हमें क्या कहते हैं नीडल कील ठोकनी है तो हथौड़ी चाहिए, अगर हमें कुछ खाना है तो स्पून चाहिए, अगर हमें पानी पीना है तो गिलास चाहिए, तो गिलास इज अ टूल, हैमर इज अ टूल, हथौड़ी, अगर स्क्रू ड्राइवर का काम है लाइक पेच वगैरह कहीं लगाना है तो जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होगा, दैट स्क्रू ड्राइवर इज अ टूल। लाइक
माउस इज अ टूल, माउस टूल है, हम क्लिक करते हैं. जैसे ये हमारे पास ये माइक्रोफोन है, तो ये माइक्रोफोन एक टूल है, इट इज अ टूल. दैट मीन्स कि आप कोई भी वर्क करेंगे यू नीड अ टूल. कंप्यूटर में इसी टूल को ही हम क्या कहते हैं, डिवाइस कहते हैं. कंप्यूटर में इसी टूल को, अब आप चाहे टूल कहिए चाहे कंप्यूटर का आप इसको हार्डवेयर कहिए, ठीक है, चाहे आप इसको कंपोनेंट्स कहिए, ठीक है, तो चाहे आप कंपोनेंट्स कहिए, चाहे आप क्या कहते हैं, चाहे आप हार्डवेयर कहिए, चाहे आप उसको टूल्स कहिए. तो टूल्स क्या है, जिस चीज को किसी भी चीज को कोई भी काम करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको हम टूल कहते हैं. लाइक जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो हैंडल उसका यूज करते हैं आप, तो गाड़ी का जो हैंडल है, हैंडल इज अ टूल, हैंडल इज अ डिवाइस. आप किक मारते हैं, स्टार्ट हो जाती है, तो किक क्या है, किक इज अ डिवाइस, किक इज अ टूल, राइट. आप एक्सीलेटर लेते हैं तो एक्सीलेटर इज अ टूल. उसी तरीके से मोबाइल में आप उसको टच करते हैं तो टच स्क्रीन इज अ टूल. आप चार्ज करते हैं तो चार्जर इज अ टूल टू चार्ज योर मोबाइल, ठीक है. ओके, तो अब इसी तरीके से जो भी कंप्यूटर में हम काम करेंगे, अगर हमारा काम क्या है कंप्यूटर में, अगर हम कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं तो वी नीड द डिवाइस विच इज नोन एज इनपुट डिवाइस. अगर कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है तो प्रोसेस जिस डिवाइस से करेगा उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहेंगे. और अगर जिस चीज से वो आउटपुट दे रहा है, यानी कि प्रिंटर है, इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेज हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे. जो काम होगा कंप्यूटर में, जो भी काम चल रहा है, जैसे कुछ स्टोर करना है तो S for store, तो हमें कौन सी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ेगी. अब ये एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि ये डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और ये क्या काम करते हैं. तो पहले हम देखते हैं, अब यहाँ हमारी जो हेडिंग होगी, हेडिंग हमने कल लिखवाई थी, आप लिख लीजिए डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है. तो इनपुट डिवाइस, इसको हमने आपको बताया था कि द डिवाइस विच टेक सम इनपुट्स, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, मतलब कंप्यूटर को कोई काम कराना है, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है कुछ सर्चिंग करानी है, तो आप कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हैं, तो कीबोर्ड से जब आप टाइप, आपको आप अपना नेम दे रहे हैं कीबोर्ड में, आप अपना एनरोलमेंट नंबर दे रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस में से क्या क्या यूज करते हैं, लाइक कीबोर्ड, ठीक है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था इसको, कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है, और आपका स्कैनर है, और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं. तो ये जो है, ऑल दीज आर व्हाट, इनपुट डिवाइस, ये क्या देती हैं, गिव डेटा टू कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को डेटा देते हैं. कंप्यूटर किस लिए, फॉर प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर को डेटा देते हैं प्रोसेसिंग करने के लिए, ताकि, क्योंकि जब तक हम इनपुट, जैसे हमें खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए हम जो हमारा पॉट होगा, जो बर्तन होगा, उसमें हम दाल डालेंगे, चावल डालेंगे, सब्जियां डालेंगे, इस तरीके से हमें उसको इनपुट देना पड़ेगा. अब ऐसा तो नहीं है कि हमने पतीला रख दिया और चावल रख दिए और वो क्या कहते हैं कुकर रख दिया और सब्जियों को दूर रख दिया, अब क्या पक जाओ, तो पक जाएगी नहीं, जब तक कि सब्जियों को या दाल को या चावल को हम पॉट में नहीं डालेंगे, उसको चूल्हे पे नहीं चढ़ाएंगे, तब तक वो काम नहीं करेगा. तो वी हैव टू गिव द इनपुट. जैसे चम्मच वगैरह है, चाय पत्ती आप डालते हैं, तो चाय पत्ती, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती आप डाल रहे होते हैं, तो चाय का जो चम्मच हुआ, तो चम्मच इनपुट डिवाइस है, उसी से आप चाय पत्ती डाल रहे हैं. कुछ लोग हाथ से ही ऐसे निकाल करके, हाथ में ऐसे ले करके और यूं डाल दे तो ज्यादा हो जाती है, फिर कम तो कर नहीं पाएंगे. तो चम्मच इज प्रेफरेबल. वैसे भी स्पून्स का यूज करना चाहिए, हाथों का यूज नहीं, हाथ गंदे हो सकते हैं, तो स्पून से आप जो है दे सकते हो. स्पून वर्क्स एज अ इनपुट डिवाइस देयर. अच्छा, अब ये बताइए, चाय जैसे जब बन गई है तो चाय को निकालते किसमें, चाय के गिलास में या चाय की प्याली में, तो इसका मतलब चाय हमारा आउटपुट है, ये आ किस में रहा है,
कप में, तो कप क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपने इनपुट डिवाइस पढ़ लिया, ये क्लियर है, इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग जस्ट ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर आप आइए प्रोसेसिंग डिवाइस पर, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस, नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रोसेसिंग डिवाइस, सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर में, भाई हमने यहां पर आपको कंप्यूटर की बेसिक वर्किंग पता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, तो ये यहां पर जो प्रोसेसिंग डिवाइस होगी वो यहां पर यूज होगी, ठीक है। अब यहां पर हम लिखते हैं द डिवाइस, आप लोग भी लिख लीजिए, द डिवाइस विच परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इनपुट डेटा इज नोन एज is known as processing device। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा कुछ चीजें समझिए, कुछ चीज ये समझिए कि जैसे ये कह रहा है यहां पर बहुत सिंपल सी चीज है, क्या कह रहा है कि वो डिवाइस, द डिवाइस जो परफॉर्म करता है, परफॉर्म करने का मतलब है जो काम करता है, ऑपरेशंस, ऑपरेशन का मतलब होता है कि किसी भी वर्किंग, जो वर्किंग हो रही होती है उसे हम ऑपरेशन कहते हैं, जो वर्क करता है, परफॉर्म करता है, किस पे परफॉर्म करता है, जो भी डेटा आया है, यानी कि जैसे आपको एडमिट कार्ड निकालना है तो आपने अपना एनरोलमेंट नंबर दिया तो कंप्यूटर को क्या मिला, कंप्यूटर को जो डेटा मिला वो क्या मिला, वो आपका एनरोलमेंट नंबर मिला, तो एनरोलमेंट नंबर पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी कि सर्चिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या जो भी वो प्रोसेसिंग करेगा। जैसे आपने मान लीजिए कि एज्यूम आप इंटरनेट पे कुछ ढूंढ रहे हैं गूगल में, लाइक आपने ढूंढा टूरिस्ट प्लेस, तो आप जब टूरिस्ट प्लेस लिखते हैं तो टूरिस्ट प्लेस जैसे ही गूगल में आप लिखते हैं तो गूगल उसको सर्च करना शुरू करता है, यानी कि गूगल का कंप्यूटर उसे सर्च करता है, तो सर्च मतलब सर्चिंग की प्रोसेस हो रही है, तो उस वो प्रोसेसिंग कब शुरू करी उसने, जैसे आपने गूगल खोल लिया, अब गूगल खोल लिया तो वो कोई काम करता है अनटिल और अनलेस यू गिव द इनपुट, जैसे आप उसको कोई डेटा ना दें, जब तक कोई डेटा नहीं देंगे, जैसे आपने कोई साइट का नाम दे तो वो साइट ओपन हो जाती है, यानी कि प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट आपके सामने आ गया, राइट। तो उसी तरीके से अगर आप जैसे मान लीजिए अपने मोबाइल में ही है, आप मोबाइल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कोई फोटो आप मोबाइल में एल्बम वाली आपकी, मान लीजिए आपने फोटोज खींचे, अब आपको देखना है तो आप उस पर टैप करते हैं तो वो खुल जाता है, अगर आप टैप नहीं करेंगे तो नहीं खुलेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसको तो पता नहीं है कि मोबाइल अपने आप तो खोलेगा नहीं फोटोज, कि हमारा मालिक हमारा मोबाइल लेकर के बैठा है, हमें लेके बैठा है और हम खुल जाए, फोटो खुल जाए मोबाइल से, अच्छा हमारे मालिक का कॉल करने का मन कर रहा, लो कॉल कर ले मम्मी को, पापा को, सिस्टर को, फ्रेंड्स को, कॉल कर ले, अपने आप कोई काम नहीं करेगा अनटिल और अनलेस यू गिव द इनपुट विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस विच इज अवेलेबल इन टू योर सिस्टम। तो और आफ्टर गिविंग द इनपुट अब आपको क्या करना है, यू हैव टू वेट, बाकी काम अब कौन करेगा, आपकी डिवाइस, और वो जब इनपुट डेटा पे जो भी काम होना होगा वो कौन करेगा, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो वो अब हमारा यहाँ पर इसी वही प्रोसेसिंग डिवाइस की बात चल रही है कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, जो किस पर वर्क करे, इनपुट डेटा पे, यानी कि इनपुट डेटा अगर हम इनपुट ना दें तो फिर डिवाइस परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। जिस तरीके से हमारा अपने आप को ही ले लीजिए, अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो आप पढ़ेंगे क्या, है ना, अगर हम कुछ बोले ना तो आप सुनेंगे क्या, ठीक है, वैसे भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपको अब आपके जो आपका जो ब्रेन है दैट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ब्रेन हमारा होता है, जो हम लोग का ब्रेन होता है वो क्या है,
वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। अगर इंसान में से ब्रेन निकाल दिया जाए तो ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी वर्क, गिव एनी इंस्ट्रक्शन, एनी थिंग, यू कैन नॉट डू एनी थिंग। ब्रेन निकलने के बाद द ह्यूमन बॉडी बिकम डेड, वो डेड हो जाएगी बॉडी। ठीक है, तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा पेपर्स वगैरह में कि एक्सीडेंट हुआ, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया। हैमरेज का मतलब होता है डैमेज, मतलब ब्रेन को चोट लग गई, तो ब्रेन खत्म। तो जब बॉडी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ब्रेन को धक्का लग गया, ब्रेन में चोट लग गई, तो बॉडी विल डेड, बॉडी बिकम डेड। तो उसी तरीके से द ब्रेन वर्क्स एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस इन अवर बॉडी। ठीक है, ये हम लोग अभी प्रोसेसिंग, जब प्रोसेसर पढ़ेंगे ना प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है। सॉरी, इसको लिख लिया हम, इसको आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। ठीक है, ब्रेन लिखते चलिएगा इसको, है ना। ब्रेन कहां पर होता है? ह्यूमन बॉडी में कहां पर होता है ये? ऊपरी माले में, ऊपरी माले में होता है ब्रेन, पता है कि नहीं? एस कुछ लोग ये तो सोच नहीं ना कि हमारा ब्रेन कहाँ होता है, ये क्या पूछ लिया सर ने आज, ब्रेन पूछा कहाँ होता है। तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता है कि ब्रेन कहाँ पर है? तो अब आप लोग अपना अपना ब्रेन समझ लीजिए, आप लोग का जहां जहां पर भी हो, सबका ऊपरी माले में ही होता है वैसे ना ब्रेन, खोपड़ी में। ये दिस स्कल, द स्कल कंटेन द ब्रेन, ये कंटेनर है स्कल, स्कल इज अ कंटेनर, ये पूरा स्कल इज अ कंटेनर, इसी के अंदर ब्रेन होता है। ठीक है, एक देखते हैं, एक आंसर आया है, क्या आया है आंसर? यस सर, यस सर, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ओके, तो ऊपरी माले में हमारे लोग के ब्रेन होता है, उसी तरीके ये ह्यूमन बॉडी का ब्रेन। अब कंप्यूटर में इसी ब्रेन को, कंप्यूटर में क्या कहते हैं? कंप्यूटर में कहते हैं इस ब्रेन को, इस ब्रेन का नाम है प्रोसेसर, ये ठीक है। इसी को आप लोग सीपीयू नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसी को आप लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये दिखने में कैसा होता है, अब हम आपको ये दिखाते हैं कि ये दिखने में कैसा होता है कंप्यूटर में, ठीक है। ब्रेन तो बायोलॉजिकल में आप जाकर के ब्रेन को आप देख सकते हैं, लाइक अगर हम लोग ब्रेन को देखना चाहें कंप्यूटर में, चलो एक बार ब्रेन को देख भी लेते हैं, ठीक है। ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, दिस देखिए, दिख गया आपको? ये देखिए ऊपरी माले में ही है भाई, निकला, हम लोग सही बोल रहे थे, ऊपरी माले में है ना। तो ये ब्रेन है, दिस इज ब्रेन। अब देखो इसी ब्रेन से पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी, द होल बॉडी कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। पूरी बॉडी, ये देखो पूरा बॉडी का नीचे, पूरा पूरी बॉडी का एक एक पार्ट, आपको कहीं भी टच होता है, कहीं भी फील होता है, आप जलते हैं, चोट लगती है, फौरन आपको पता चल जाता है, ठीक है। प्रोसेसर क्या होता है? देखो वासल, प्रोसेसर को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी बाद में, हम प्रोसेसर को भी बता देते हैं, प्रोसेसर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, सीपीयू वाला टॉपिक हमारा, उसमें हम लोग बता, अभी हम बस एक इंट्रोडक्टरी अभी लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे ये एलोबरेट होता जाएगा, धीरे धीरे हमारा क्लास एलोबरेट होता है, जैसे जैसे आप इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग और कंप्यूटर सिस्टम और इनपुट आउटपुट इन सब चीजों को जैसे ही समझ जाएंगे, देन हम इसको डिटेल्स में चलते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। तो अब यहां पर, अब हम लिखते हैं यहां पर, देखो अब प्रोसेसर क्या, वो प्रोसेसर किस तरह का दिखता है, देखो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब ये देख लीजिए दिखने में कैसे, देखो दिखने में ये ऐसा होता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत छोटा सा होता है, इसका साइज 1x1 इंच का होता है, 1x1 इंच, बहुत छोटा, इतना छोटा सा, छोटा छोटा सा होता है, जितनी बड़ी आपकी आंखें हैं उतने बड़ा प्रोसेसर होता है, छोटा सा प्रोसेसर होता है। ये देखो यहाँ पे ढेर सारे, ये सब प्रोसेसर है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये देखो इसको सीपीयू भी कहते हैं, देखो ना सीपीयू लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर अपने नोट्स में भी यहाँ पे लिखा ना कि इट इज अ सीपीयू, तो ये देखो ये सीपीयू है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, यही है सारा काम कंप्यूटर में यहीं से होता है,
कुछ भी आप इनपुट देते हैं यहाँ पर आता है, आउटपुट भी यहाँ से प्रोसेस होने के बाद, यानी कि ये जो प्रोसेसर है, दिस प्रोसेसर, ये अब यहाँ पर एक दो लाइन तुम लोग बना लो यहाँ पर एक, अभी इसी डायग्राम में, तो तुम लोगों को क्लियर रहेगा हमेशा। एक कमिंग कमिंग एरो बना लो, एक गोइंग एरो बना लो ना, और उसमें लिख लो, यहाँ पे लिखो आई और यहाँ पे लिखो पी, और यहाँ अंदर क्या लिखोगे, अंदर लिखोगे पी प्रोसेस, ठीक है। इसको बना लो फौरन, डायग्राम ही फौरन बना लो अभी यहाँ पर अपने उसमें, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेसर है, आप लोगों ने ये प्रोसेसर देखा, ठीक है। इस तरह का प्रोसेसर, एक प्रोसेसर होता है, एक हर इंसान में कितने ब्रेन होते हैं, इंसान के अंदर कितना ब्रेन होता है, एक ब्रेन होता है, तो एक ही प्रोसेसर होता है, सिंगल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे हम कंप्यूटर कंसिस्ट और कंटेन, सिंगल प्रोसेसर इन इट। जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, जो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिनको हम पीसी भी कहते हैं, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, जैसे पीसी है आपका, लैपटॉप है, या आपने क्या कहते हैं शॉपिंग मॉल में जो कंप्यूटर्स देखे होंगे, बैंक्स में जो कंप्यूटर देखे होंगे, ऑफिस में जो कंप्यूटर्स हैं, स्कूल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, एयरलाइंस रिजर्वेशन में, रेलवे रिजर्वेशन में, जो भी आपने कंप्यूटर अपनी लाइफ में जनरली देखे हैं, उन्हें हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। वो जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है वो क्या करते हैं, उनमें जो सीपीयू होता है, जो प्रोसेसर होता है, वो सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल प्रोसेसर, ओके। तो ये हमारा प्रोसेसर है, हम प्रोसेसर के बारे में डिटेल्स में बाद में चलेंगे, ये अभी इसका समझ जाइए कि प्रोसेसर क्या, कोई भी अभी इस लेवल पे आपसे कोई प्रोसेसर अगर पूछ लेता है कि प्रोसेसर क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट इन टू द कंप्यूटर विच परफॉर्म द प्रोसेस, जितने भी विच परफॉर्म द प्रोसेस विच वर्क्स ऑन द इनपुट डेटा, ये किस पे काम करता है, जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर प्रोसेसर वर्क ऑन, लिखते चलिएगा इसको सब, इनपुट डेटा, ठीक है, ओके। हाँ सही है वासल, आपने सही कहा, इनपुट डेटा पे, वेरी गुड, ये इनपुट डेटा पे वर्क करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखो आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आउटपुट डिवाइस, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसकी डिफिनीशन, डिफिनीशन सॉर्ट ऑफ डिफिनीशन, जस्ट राइट इट, द डिवाइस विच इज used to produce or generate report results or output is known as output device, उसे हम output device कहते हैं, ठीक है, just write it, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है,
एक ऐसी डिवाइस, द डिवाइस विच इज यूज, जैसे अभी आप हमारा जो ये वीडियो है या जो ये दिख रहा है, ये आप अपने मोबाइल पे अगर देख रहे हैं तो मोबाइल पे किस चीज पे देख रहे हैं? स्क्रीन पे. तो स्क्रीन क्या है, मोबाइल की स्क्रीन क्या है? आउटपुट डिवाइस. एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, चलिए इसी को लिए लाइव एग्जाम्पल हो गया. स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल, ये एग्जाम्पल है. अब एग्जाम्पल भी लिख लीजिए. अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप का जो स्क्रीन हुआ, तो स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल ऑब्लिक लैपटॉप भी लिख दो यहाँ पर. चलो लैपटॉप. अच्छा, कुछ लोग डेस्कटॉप में अगर देख रहे हैं, जब घर में अगर उनके कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, जिसमें मॉनिटर अलग होगा, सीपीयू अलग होगा, माउस अलग, सब चीजें, क्योंकि लैपटॉप में तो सब कॉम्पैक्ट होता है, एक साथ होता है. तो अगर कोई डेस्कटॉप पे देख रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर ऑब्लिक लिख देते हैं पीसी, पर्सनल कंप्यूटर. अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ हमारा स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल और लैपटॉप और पीसी इज आउटपुट डिवाइस. ये हमारा आउटपुट डिवाइस है. और जैसे अब आप कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए आपके घर में प्रिंटर है, या आपने रिजोल्यूशन कराया तो वो प्रिंट आउट देता है निकाल के कि भाई ये आपका रिजोल्यूशन है, या आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने तो वो बिल निकाल के देता है. तो बिल आप देखिए किससे निकाल करके देता है, तो बिल जिस चीज से निकाल के देता है वो कौन सी मशीन है, वो है हमारी प्रिंटिंग मशीन. तो जितनी भी प्रिंटिंग मशीन्स हैं, आप मशीन की स्पेलिंग लिख लेना, गलत हो गई थी, जितनी भी प्रिंटिंग मशीन्स हैं, चाहे वो पोस्टर प्रिंट करती हो, बैनर प्रिंट करती हो, आपका असाइनमेंट प्रिंट करते हो, आपका क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट है, पेपर है, ये सभी जितनी भी प्रिंटिंग मशीन्स हैं, ऑल प्रिंटिंग मशीन्स आर आउटपुट डिवाइस. इसी को हम कंप्यूटर में क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कंप्यूटर्स में क्या कहते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इन्हें हम प्रिंटर कहते हैं. प्रिंटर, ओके, प्रिंटर देखने में देखिए कैसा होता है, प्रिंटर को देखने में कैसा होता है वो आप देख लीजिए. यहाँ पर हमने लिखा, सब आपके हाथ में है, आप अपना आराम से नेट पे गूगल में जाकर के सर्च कर लीजिए प्रिंटर किसे कहते हैं. देखिए प्रिंटर देखने में ऐसा होता है, आप सबने देखा भी होगा, नहीं देखा हो तो आज देख लीजिए. और इसमें कोई भी ऐसा शर्माने की जरूरत नहीं है कि सर हमने नहीं देखा, तो ऐसा नहीं है कि आप तीसरी दुनिया से आए या पता नहीं कहाँ, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं देखा नहीं देखा, अब देख लिया, कोई बात नहीं, ठीक है. नथिंग इज लेट, कुछ भी लेट नहीं होता. जब शुरू करो, कोई कहा कहते नहीं है, जब शुरू करो क्या, तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा, ना, तब आप आज जाग जाइए, देख लीजिए ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है. इस तरह के प्रिंटर्स होते हैं, ये सभी प्रिंटर्स हैं, ओके. तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है. आउटपुट डिवाइस में एक प्रिंटर है और आपका स्क्रीन आ गया. स्क्रीन को ही हम क्या कहते हैं, स्क्रीन को ही हम कहते हैं मॉनिटर. क्या बोलते हैं, मॉनिटर, ठीक. मॉनिटर का मतलब होता है वॉच करना है. तो स्क्रीन पे हम देखते हैं, मॉनिटर है आपका, टीवी है जो आपके घरों में होगा, टीवी है, ठीक है. और एग्जाम्पल में क्या है, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर. और एक आउटपुट डिवाइस और होती है जो इंजीनियर्स यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं, ये प्रिंटर का बिग फॉर्म है, प्लॉटर. इंजीनियर यूज करते हैं, और जो बड़े बड़े पोस्टर्स बनते हैं उन्हें हम प्लॉटर कहते हैं, प्लॉटर लिख लीजिए, प्लॉटर. ये इंजीनियर्स यूज करते हैं, इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग वर्क में बहुत यूज होता है इसका, इन इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है, इंजीनियरिंग वर्क में इसका बहुत यूज होता है. प्लॉटर भी आप देख लीजिए कैसा होता है, प्लॉटर क्या है भाई. सर अगर केवल मेरे पास प्रिंटर है तो सर मोबाइल से कैसे पेज प्रिंट करके प्रिंटर के कैसे निकलेगा. अच्छा देखो वासल श्रीवास्तव, बहुत सिंपल है. आप मोबाइल का जो सूट होता है, हर मोबाइल का एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए. जैसे मान लीजिए कि भाई आपके पास अज्यूम मोबाइल है, तो वो जैसे मान लो कि ये मोबाइल है तुम्हारा, अब मोबाइल मान लो तुम्हारा सैमसंग का है, तुम्हारा ओप्पो का है, वीवो का है, तो उसका आपको पूरा सूट कंप्यूटर में इंस्टॉल, सूट मतलब होता है पूरा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर लीजिए. और आप अपना, जैसे हम लोग वाईफाई से कनेक्ट कराते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आप जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट कराएंगे, अब आपके प्रिंटर में, और प्रिंटर आपके लैपटॉप से लगा है या कंप्यूटर से लगा है, अब आप प्रिंट दीजिए, प्रिंट निकल आएगा. तो यू हैव टू यूज द मोबाइल सूट, मोबाइल का सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पूरा. जैसे आप गाना सुनते हैं कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर होता है तभी सुन पाते हैं ना, और वीडियो अगर देखनी है सॉफ्टवेयर होगा. अगर वीडियो का सॉफ्टवेयर ना हो
गाने का सॉफ्टवेयर ना हो, टाइपिंग का सॉफ्टवेयर ना हो, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, तो ये क्लियर है ना। अब आप उसमें सूट डाल लीजिए, जो भी आपके पास मोबाइल है ना, उसका सॉफ्टवेयर इंटरनेट से सर्च करिए, अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल करिए, तो आप अपने कंप्यूटर और लैपटॉप से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं डायरेक्टली। बस प्रिंट देंगे, निकल आएगा। ओके, दिस इज योर आउटपुट डिवाइस। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज स्टोरेज डिवाइस। हम आपको प्लॉटर दिखा देते हैं कैसा होता है। ठीक है, प्लॉटर देख लीजिए कैसा होता है, फिर स्टोरेज डिवाइस दिखाते हैं आपको। प्लॉटर पहले देख लीजिए। ये प्लॉटर दिखा देते हैं। बहुत जितने भी आपके वो होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, बड़े बड़े जो बैनर पोस्टर्स निकलते हैं, ये देखिए प्लॉटर इस तरह का होता है। कहीं भी आप जैसे जहाँ पर डिजाइनिंग वर्क होते हैं, लेबल प्रिंट्स होते हैं, देखो ये मैप है, मैप प्रिंट हो रहा है। इतना बड़े बड़े जो मैप्स प्रिंट होते हैं वो प्लॉटर पे ही प्रिंट होते हैं। ये देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये दिस इज द प्लॉटर। बड़े बिग प्रिंटर्स, ये बिग प्रिंटर्स होते हैं। इससे हम छोटे छोटे अपने जैसे एडमिट कार्ड निकालने के लिए प्लॉटर नहीं ले आएंगे। घर पे एडमिट कार्ड निकालना है और प्लॉटर लगा लिया, बर्थडे की फोटो निकालनी है प्लॉटर लगा लिया, तो ये बहुत महंगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं ये फोटो। मतलब इट कॉस्ट इसकी जो कॉस्ट स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वो 8 लाख प्लस होती है। 8 लाख प्लस सस्ते भी प्लॉटर आते हैं, बट लैक्स के ऊपर होते हैं। ये सब प्लॉटर्स हैं, ऑल दीज आर प्लॉटर। जैसे मैप्स वगैरह निकालते हैं, डिजाइनिंग्स है, मैप्स है, इंजीनियरिंग वर्क्स जितने भी होते हैं वो इसी से होते हैं। ये देखिए बिल्डिंग के जो आपके बिल्डिंग के नक्शे वगैरह जो बनाए जाते हैं, ठीक है, वो इसी प्लॉटर से ही निकलते हैं। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द प्लॉटर। दिखने में प्लॉटर ऐसा होगा। अब आपको ये हो जाएगा कि हमने भाई प्लॉटर देख लिया कि कैसा प्लॉटर होता है, सिंपल। ठीक है, ये इस तरह के बैनर पोस्टर्स वगैरह निकालने के लिए प्लॉटर का यूज होता है, लाइक दिस। ओके, ये देखिए मैप निकल रहा है इससे। ये जो मैप्स होते हैं, बड़े बड़े मैप्स, पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स लगी होती हैं, वो सब प्लॉटर से ही निकलती हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट लास्ट बता दें वाली स्टोरेज डिवाइस वाला है ना, स्टोरेज डिवाइस। चलो स्टोरेज डिवाइस लास्ट है ये हमारा। स्टोरेज डिवाइस को लिख लो आप लोग, राइट कर लीजिए। द डिवाइस, द डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द प्रोसेस्ड डेटा, जो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है, इट इज यूज टू स्टोर द प्रोसेस्ड डेटा फॉर फर्दर और ऑब्लिक फ्यूचर लिख लेंगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। यूज इज नोन एज स्टोरेज डिवाइस। कोई भी आप डेटा स्टोर करते हैं, वो क्यों स्टोर करते हैं? ताकि जैसे आपने एडमिट कार्ड है स्टोर कर लिया, आपने मार्कशीट स्टोर कर ली, आप कोई भी फोटो खींचते हैं कि भाई आज की ये फोटो, कोई पार्टी है उसकी फोटो खींच ली। क्यों खींचते हैं? कि यादगार रहे, हमें कभी फर्दर इसको यूज करना हो। आपने मार्कशीट डाउनलोड कर ली, अब मार्कशीट स्टोर कर लेते हैं, तो मार्कशीट हमने स्टोर इसलिए करी है कि मार्कशीट हमारी जो है वो यादगार रहे, हमें कभी जरूरत पड़े फ्यूचर में, ठीक है, जॉब वगैरह के लिए जरूरत पड़ेगी तो वो मार्कशीट हम प्रिंट आउट करके निकाल के ले जाएंगे। तो स्टोरेज डिवाइस में जो भी प्रोसेस आप करते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई भी मेल भेज रहे हैं, तो मेल आपका स्टोर हो जाता है स्टोरेज डिवाइस पे, तो वो आपके डिवाइस पे भी अगर स्टोर करना चाहें तो स्टोर हो जाता है, अदरवाइज वो सर्वर पर स्टोर रहता है। तो आप कोई भी मेल भेजते हैं वो मैसेज रहता है। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के मैसेजेस जितने भी आप भेजते हैं देखिए स्टोर रहते हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप के सर्वर पर स्टोर रहते हैं, वहां भी कंप्यूटर लगा हुआ है, तो व्हाट्सएप अपने कंप्यूटर पे उसको स्टोर कर लेता है। तो जो भी मैसेजेस हैं, फोटो है, जो डिलीट करना चाहते हैं आप डिलीट करते हैं, जिसका यूज नहीं है। लेकिन स्टोरेज डिवाइस हम यूज क्यों करते हैं? टू कीप द डेटा,
अपना डेटा को रखने के लिए, सेव रखने के लिए। और कैसा डेटा? जिस डेटा को हमने क्या कर लिया हो, प्रोसेस कर लिया हो। प्रोसेस कर लिया होगा मतलब अब हमें समझ में आ गया कि हम जैसे मूवी लाए, मूवी आपने रख ली, आज नहीं देख पाए 10 दिन के बाद देखेंगे, तो हम उसको सेव कर लेते हैं। अब इसके लिए, डेटा को रखने के लिए, अब आपने बहुत सारी डिवाइसेस देखी हैं, लाइक जो पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव है, और आपका मेमोरी कार्ड है, ठीक है, मेमोरी कार्ड, और आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी। फ्लॉपी जो है ये अब ऑब्सलीट हो गई है, यूज नहीं होती अभी है। आपको काटना नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं, मतलब आप ना काट दीजिएगा लिख के, आप बस ये लिख दीजिए नॉट इन यूज्ड, अब यूज नहीं होती फ्लॉपी। मेमोरी कार्ड की तरह थोड़ी बड़ी सी होती थी फ्लॉपी, वो सब हम आपको दिखा देंगे कैसी होती है, ठीक है। फ्लॉपी है, सीडी, डीवीडी, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। लाइक अगर आप, फ्लॉपी दिखने में आपको ऐसी दिखेगी, देखिए ये, देखिए ये कुछ ऐसा ऐसी होती थी फ्लॉपी, इस तरीके की। अब तो खैर ये ऑब्सोलीट हो गई है फ्लॉपी, अब ये यूज नहीं होती है, इस तरीके की होती है। इसमें 1.44 MB डेटा स्टोर होता है, 1.44 MB। और अब तो हमारे पास जो पेन ड्राइव्स हैं वो 8 GB, 4 GB की पेन ड्राइव्स होती हैं डेटा। ये जीबी एमबी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा कि जीबी एमबी क्या है। ये ड्राइव्स हैं इसकी, फ्लॉपी ड्राइव, दिखने में आप देख लीजिए, बाकी हम लोग इसकी वर्किंग वगैरह बाद में समझेंगे, दिखने में ये ऐसी होती है, ठीक है। और आपका सीडीज डीवीडीज दिखने में कैसी होती हैं वो भी आप देख लीजिए, ये देखिए सीडी डीवीडी देखी ही होंगी खैर आपने, सीडी डीवीडी देखने में ये कुछ ऐसी होती है, सीडी डीवीडी, ठीक है, इस तरीके के ये ऐसी होती है। और आप जो है हार्ड डिस्क को देख लीजिए कैसी होती है, हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क दिखने में आपको ये इस तरीके की दिखने में लगती है, ऐसी होती है अंदर से ही, ऐसी होती है। हार्ड डिस्क के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो ये एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये हार्ड डिस्क है, यहाँ पर भी आप हार्ड डिस्क हम लोग डाल दें, हार्ड डिस्क, 2 मिनट्स आर लेफ्ट, हार्ड डिस्क, ये देखो, ये देखो दिखने में हार्ड डिस्क हमें जब मार्केट में दिखेगी तो हमें हार्ड डिस्क ऐसी दिखेगी, हालांकि ये अंदर से गोल होती, इस तरीके की होती है ये, ये देखो अंदर से, एक्चुअली अंदर से ऐसी होती है, लेकिन अंदर से नहीं, कवर्ड होती है, तो कवर्ड हमको ऐसी दिखाई पड़ती है, जैकेट में होती है मतलब बॉक्स में होती है, तो ऐसे देखिए प्रोटेक्टेड है, मतलब कि कुछ इसमें पानी वानी ना चला जाए, डस्ट ना चले जाए, खराब ना हो जाए, तो ये अंदर से ये डिस्क एक्चुअली में डिस्क ऐसी है, सीडी की तरह होती है लेकिन ये मेटल की बनी होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लासेस, तो एनी किसी भी तरह का जो डाउट होगा आपको नंबर मिल गया होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अपनी क्लासेस के बाद, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं, बस रात में आप 9 बजे के बाद मत करिएगा, ठीक है, रात में 9 बजे तक आप हमको कॉल कर सकते हैं। तो आपको आज का टॉपिक सबको क्लियर है, आपको जिसको भी क्लियर हो तो आप प्लीज़ चैट में लिख दीजिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लासेस, हमने डिवाइसेस पढ़ ली हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। ओके, दैट्स इट, थैंक यू एंड बी सेफ एट योर होम। नंबर मेरा नहीं है, नंबर लिख लो, मेरा नंबर लिख ही लो तुम लोग, मेरा नंबर आप लोग लिख लीजिए, 9335070, 9335070,
07